सब्सक्राइब कीजिए एडुटॉक एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइज, माय नेम इज पवन एंड वेलकम टू एडुटॉक एकेडमी। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि आप सभी जब पेमेंट जो फी है 8000 जब वो पे करने जाओगे तो वो फेल शो होगा बार बार। अगर जिसने पे कर दिया है उसको वो पता होगा कि वो बार बार फेल शो हो रहा है। आज फेल शो हो रहा था, कल का पता नहीं मुझे। तो फेल कैसे शो हो रहा है, क्यों शो हो रहा है, ये मैं बता दे रहा हूँ। जब आप पेमेंट पेज पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन शो होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पे करोगे तो वो फेल शो होगा, ठीक है। तो आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट तभी फेल नहीं होगा जब आप नेट बैंकिंग से करोगे। तो आप नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करना। आप अपने, अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप अपने रिलेटिव या किसी भी फ्रेंड से आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके जो कॉलेज फी 8000 वो पे कर दो, क्योंकि कल है वो लास्ट डेट है फी पे करने की। कल 4 बजे तक शाम को आप पेमेंट पे कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट डेट है, तो आज तक या कल शाम 4 बजे से पहले आप पेमेंट फी जो फी है वो पे कर देना। सो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपका रैंक 10000 तक भी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा। सो गाइस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हैं और आपका रैंक, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 5000 अंडर 5000, ठीक है। अगर आप दिल्ली कैंडिडेट है और आपका रैंक अंडर 5000 है तो आपको 4th काउंसिलिंग तक कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। अगर आपका रैंक 5000 है और अगर आप दिल्ली कैंडिडेट है तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको 4th काउंसिल तक कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। और अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हैं और आपका रैंक 10000 तक है तो आप बहुत सारे ट्रेड हैं जो कि आप फिल नहीं करते हो। आप गिने चुने ही 5-6 ट्रेड फिल कर देते हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो उससे ज़्यादा बहुत सारे ट्रेड है, ठीक है, 79 ट्रेड है। तो आपको चाहिए एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में तो आप सभी को फिल कर दो। अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये सब ही लेना है तो आप स्पोर्ट राउंड का वेट करो। उसमें जो मैकेनिकल, सिविल, जितने जिसकी भी हाईएस्ट कट ऑफ जाती है उनका मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और स्पोर्ट राउंड में हर साल बहुत सारी सीटें बसती हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जितने भी ब्रांचेज हैं जिनकी हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, ठीक है, तो उनकी हर साल सीटें बसती हैं। और स्पोर्ट राउंड में दिल्ली कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली कैंडिडेट है और आपके रैंक 10000 तक है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको स्पोर्ट राउंड तक वो ब्रांचेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप 4th काउंसलिंग करवाओ एंड उसके बाद स्पोर्ट राउंड में जाना। स्पोर्ट राउंड में बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको वो सब ब्रांच मिलने के, ठीक है। सो गाइस, स्पोर्ट राउंड क्या है, कब होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। तो उसके लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है, तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के बारे में। सो गाइस, अगर आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हैं और आपका रैंक 3000 तक है और आप जनरल हैं तो थोड़े बहुत चांसेस हैं जिनके हाईएस्ट कट ऑफ जा रही हैं जिन ब्रांचों के वो मिलने के। और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ही, आप पॉलिटेक्निक करना ही चाहते हैं तो आप वो सभी चॉइस को फिल कर लो, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा उन सभी ब्रांचेस में से, ठीक है। अब सभी को मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और जितने भी हाईएस्ट कट ऑफ वाले ब्रांच है वो सभी को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट है उनको तो और दिक्कत होगी, क्योंकि आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए सिर्फ 50% ही सीटें रिजर्व होती हैं। 85% सीटें सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती हैं, ठीक है। तो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हैं और आपका रैंक 5000 प्लस है तो आप मैकेनिकल और ये सिविल ये भूल जाओ, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हैं और आपको पॉलिटेक्निक करना ही है, दिल्ली पॉलिटेक्निक करना ही है तो आप सभी ब्रांचों को फिल कर दो। सेकेंड काउंसलिंग में आपको कोई ना कोई एक ब्रांच मिल जाएगा फोर्थ काउंसलिंग तक, ठीक है। तो सभी को फिल कर दो, बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो कि आपको इजीली मिल जाएगा, जैसे कि है एक गारमेंट फैब्रिकेशन है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। और एक है आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ही लो जाती है, ठीक है। तो ये सभी कोर्स आपको मिल सकते हैं अगर आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हैं तो उनके लिए ये कोर्सेज अच्छे हैं अगर आपका रैंक 5000 प्लस है तो, ठीक है।
अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल जा सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो दिल्ली कैंडिडेट है, अगर उनका रैंक 10,000 तक है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्पोर्ट राउंड में जो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल जिनकी हाइस्ट कट ऑफ जाती है, वो सीटें बहुत सारी बच जाती हैं, तो वो आपको स्पोर्ट राउंड में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप चारों काउंसिलिंग करवाएंगे तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन स्पोर्ट टाउन में वो बहुत सारे ज़्यादा चांसेस हैं। लास्ट ईयर 6,000 तक आपको 6,000 में जीबी पंत में आपको इलेक्ट्रिकल मिला था, ठीक है। और मैं पूछा मिला था एक बच्चे को, उसके रैंक थी 6,000 कुछ थी, ठीक है, 6,000 से भी ऊपर थी, और उसको पूछा में मिला, ठीक है, जिसकी कट ऑफ हाइस्ट जाती है सिर्फ 500 तक ही जाती है, उसको आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा में मैकेनिकल मिला, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि स्पोर्ट टाउन तक में कितनी सीटें बचती हैं, और वो हर साल बचती हैं और इस साल भी बचेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सीटें बचेंगी बचेंगी स्पोर्ट टाउन में, तो आप फोर्थ काउंसलिंग तक करवाओ, फिर स्पोर्ट टाउन में जाना, आपको सीटें मिल सकती हैं, चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। सो गाइस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में मेरे को बस यही आपको इन्फॉर्म करना था, ठीक है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऐसी दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेटेड्स के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।